So the topic is application of the Laplace transform to the ordinary differential equation with constant coefficient. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक है आज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो द टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सो अल्टीमेटली जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज है वो मैक्सिमम लीनियर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने में आता है. प्लस इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज आता है. और अभी इसके बाद मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा. सो देखिए आप फार्मूले में कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल बताऊंगा मैं. सो देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, सीधा फार्मूला लिखता हूँ मैं. लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, इसका फार्मूला होता है एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डे जीरो, एंड लाप्लास ऑफ डी वाई का जो फार्मूला होता है एस एल वाई माइनस वाई जीरो. ये बस डी क्यूब का भी बता देता हूँ, वैसे उसका यूज कम आता है, फिर भी आप देख लीजिए. एस क्यूब एल वाई माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो. सो ये इसका फार्मूला होता है. ऐसे हम डी क्यूब डी पावर फोर वाई का भी हम निकाल सकते हैं. सो अब क्वेश्चन देखिए आप कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन में आएंगे हम यहाँ पे. अगर आपको ये दे रखा है डी, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको कंडीशंस दे रखी है कांस्टेंट निकालने के लिए. सो नॉर्मली हम डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें सी एफ पी आई निकालना पड़ेगा, फिर ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट में इक्वेशंस आएगी, फिर इसकी वैल्यू निकाल के हम वापस इक्वेशन पुट करते, तो बहुत लंबा हो जाता है कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अगर हम सॉल्व करते तो वो बहुत ईजी होता है, और सिंप्लीफाइड एल्जेब्रिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, हम दो मिनट में इसको सॉल्व करके इनवर्स लेके इसका आंसर निकाल सकते हैं. देखो कैसे, यहां पे सबसे पहले दोनों तरफ क्या लेंगे हम, लाप्लास लेंगे, राइट. दोनों तरफ क्या लेंगे हम, लाप्लास, ठीक है. सो इसका फार्मूला होता है एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डी जीरो, ये मैंने इसका फार्मूला रखा है ना इसका, ठीक है, प्लस एल वाई लाप्लास ऑफ वाई, और हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर, राइट. टी का लाप्लास कितना होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर. नाउ ये जो एल वाई इनको एक साथ लिख लीजिए आप. सो एस स्क्वायर प्लस वन एल वाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, और वाई जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको वन दे रखी थी, वन उठा के यहाँ रख दीजिए, और वाई डे जीरो की वैल्यू माइनस टू रखी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सो ये हमारी वैल्यू आएगी. नाउ इन दोनों को उस तरफ ले जाइए. सो ये आएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस वन एल वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस माइनस टू. Then इसको हम डिवाइड करेंगे. सो क्या होगा यहां पे, लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन. क्लियर. अब हम इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे, राइट. सो अब ये वाई है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन. नाउ हम जानते हैं यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स तो हमें पता है क्या होता है, इसका लाप्लास इनवर्स कॉस टी, इसका लाप्लास इनवर्स होता है साइन टी, पर इसका हमें नहीं पता है बिकॉज यहाँ पे वन अपॉन एस स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविजन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सो आप जानते हैं सबसे पहले वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का लाप्लास कितना होता है, साइन टी. अगर मैं एक बार एस से डिवाइड करता हूँ तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ कन्वोल्यूशन भी लगा सकते हैं, बट कन्वोल्यूशन बहुत लंबा पड़ेगा, तो साइन टी डी टी है ना. एक बार हम जीरो से टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का कॉस टी, एंड लिमिट पुट करेंगे आप जीरो से टी तो इसकी वैल्यू आएगी वन माइनस कॉस टी, राइट. नाउ एक और बार हम एस से डिवाइड करेंगे तो एक बार और एस से डिवाइड करेंगे तो वापस एक और बार क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, वन माइनस कॉस टी का, और वन का इंटीग्रेशन टी, और कॉस का होगा साइन टी, लिमिट जीरो से टी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा टी माइनस साइन टी. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम टी माइनस साइन टी. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस टी प्लस टी माइनस थ्री साइन टी. सो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका
सॉल्यूशन है, बट एग्जाम में यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। एक तो मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन, कभी कभी यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बन जाता है। कैसे बन जाता है कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू टी, और आपको गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, वाई जीरो इज इक्वल टू वन और वाई वन इज इक्वल टू या वाई पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपको दे दिया जाए। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में वाई डे जीरो गिवन होता है, एक में वाई डे जीरो नहीं गिवन होता। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लिखा और यहाँ पे वाई डे जीरो नहीं होके वाई पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन दे रखा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वाई डे जीरो नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लेट वाई डे जीरो इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम के, हम इसको क्या ले लेंगे, के ले लेंगे, बिकॉज हमारे पास नहीं दे रखा है तो हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये वही सेम दोनों तरफ क्या लेंगे, लाप्लास। नाउ ये पूरा फार्मूला एज इट इज, यहां पे जो y डे जीरो था वहां पे हम क्या रखेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू माइनस मतलब k रखेंगे, क्लियर है। जहां पर भी y डे जीरो वहां इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, k रखेंगे। नाउ ये k उधर गया तो यहां उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा, देन उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का k, मतलब सिर्फ जहां पर भी y डे जीरो था वहां हमने k रखा और बाकी हम क्या करेंगे, एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे के वैसे ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये k आएगा यहाँ पे, ना यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगा sin t और ये आएगा आपके पास प्लस का k। नाउ अब आगे देखिए आगे क्या चेंज होगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। सो अब देखिए आप y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, t प्लस cos t और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम, तो क्या आएगा, k माइनस वन इंटू sin t। अब देखो आपने यहाँ पे k माना है तो इस k की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये एक्स्ट्रा जिसको लिखा गया है ना क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस k की वैल्यू निकालेंगे ना। सो क्या करेंगे, अप्लाई y पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस वन एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। तो जहां पर भी y वहां क्या रखेंगे हम माइनस वन और जहां t वहां क्या रखेंगे हम पाई बाई टू। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, जहां पर भी y वहां हमने क्या रखा माइनस वन और जहां t वहां क्या रखा हमने पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू रखेंगे और यहां पे क्या आएगा, ये cos पाई बाई टू और यहां भी हम पाई बाई टू रखेंगे, सो प्लस k माइनस वन साइन पाई बाई टू, है ना। सो वी नो दैट cos पाई बाई टू इज जीरो। नाउ माइनस वन पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू वन होता है, सो k माइनस वन से वन कैंसिल, सो k इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस का पाई बाई टू और ये k की वैल्यू माइनस पाई बाई टू हमारा यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू t प्लस cos t एंड प्लस क्या आएगा यहाँ पे माइनस पाई बाई टू माइनस वन इंटू साइन टी। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो मैं आपके सामने एक और दो क्वेश्चन और लूंगा एंड देन टॉपिक को खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस और देखिए यहाँ पे आप किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, सो क्या होगा सॉल्यूशन में, वही सेम कंसेप्ट डी स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन, दोनों तरफ क्या लेंगे हम लाप्लास लेंगे, राइट। तो अब क्या लेंगे हम लाप्लास लेंगे, क्लियर। सो यहां पे क्या होगा, ये एस स्क्वायर एल एक्स माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, ये इसका वैल्यू है, प्लस थ्री इंटू एल एस एल एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस एल एक्स और इसकी जो वैल्यू होती है वन अपॉन एस होती है। नाउ ये एल एक्स और ये एल एक्स को एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस वन एल एक्स और आपके पास एक्स जीरो एक्स डबल एक्स डैश जीरो सबकी वैल्यू क्या रखी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास वन अपॉन एस। नाउ एल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस वन, हम इसको फैक्टर करेंगे यहाँ पे, है ना। सॉरी दिस इज हाँ राइट, ये टू है यहाँ पे, सो दिस इज टू, सो ये आपके पास यहाँ पे आएगा टू, क्लियर। सो दिस इज टू, है ना, क्वेश्चन में टू है वहाँ पे, तो वो टू लिखेंगे हम। नाउ इधर देखिए आप, इसकी वैल्यू आएगी वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। नाउ ये एल उधर गया तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस एस प्लस वन एस प्लस टू। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा,
तो हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करेंगे, वैसे आप और भी तरीके जिनसे आप सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताता हूँ, उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। एस प्लस टू ये आएगा ए अपॉन एस, बी अपॉन एस प्लस वन एंड सी अपॉन एस प्लस टू। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे। इस एस को, ये एस है, इसको क्या रखेंगे, जीरो हो जाए, तो इस एस की जगह हम जीरो रखें तो जीरो, मतलब इसको क्या पुट करें कि जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली खुद ही जीरो, ये जीरो इसको छुपा के यहां रख दीजिए तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ये जीरो, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, वन बाय टू। नाउ इसको क्या रखें कि ये जीरो हो जाए, मतलब आपको एस प्लस वन को क्या रखना है, जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन, ये एस माइनस वन इसको छुपा के यहां रख दीजिए, तो यहां से आपके पास वैल्यू आई माइनस वन, माइनस वन प्लस टू, सो दिस वैल्यू ऑफ दिस वन इज माइनस वन। नाउ इस s प्लस टू की जगह क्या रखें कि जीरो हो जाए, मतलब s प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सो s प्लस s इज इक्वल टू माइनस टू, ये s इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ रखेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू आएगी माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज वन बाय टू। ये a b c की वैल्यू उठा के यहाँ रख के इसको यहाँ रख दीजिए, सो आपके पास x इज इक्वल टू आएगा लाप्लास इनवर्स, सो a की वैल्यू आपके पास आई वन बाय टू, सो ये आएगा वन अपॉन टू एस, एंड b की वैल्यू आपके पास आई माइनस वन, सो एस प्लस वन, और सी की वैल्यू आपके पास आई वन बाई टू, सो दिस इज वन बाई टू एस प्लस टू। नाउ इसको अंदर ले लीजिए, सो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस वन प्लस, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो वन बाई टू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस टू, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी वन बाई टू, इसका तो वन ही होता है, नाउ इसका होता है ई की पावर माइनस टी प्लस वन बाई टू ई की पावर माइनस टू। खैर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको आंसर चेक करना है, जैसे गेट में क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, और वहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका ये आपका आंसर है, आपको ऑप्शंस दे रखे हो, तो आपको आंसर चेक करना होगा यार आंसर गलत है या सही है, तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को इसके अंदर अप्लाई करिए, जहाँ पर भी टी है वहाँ जीरो रखिए तो एक्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जहाँ पर भी टी है वहाँ जीरो रखेंगे हम, तो जहाँ टी है वहाँ जीरो रखेंगे कितना आएगा, ये वन बाई टू ई की पावर जीरो वन होता है, और ये भी ई की पावर जीरो वन होता है, देखो ये जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, यस दिस इज जीरो, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट। क्लियर, अब एक और क्वेश्चन समझिए आप, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, देखो उस क्वेश्चन में एक्स डैश जीरो गिवन था, यहाँ पे एक्स वाई डैश जीरो नहीं है, मतलब डैश जीरो गिवन होना चाहिए, बिकॉज जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, सो यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नहीं है उसको आप क्या करेंगे, लेट y डैश जीरो इज इक्वल टू क्या मान लेंगे आप, k मान लेंगे, राइट, वही सेम d स्क्वायर y प्लस नाइन y इज इक्वल टू cos 2t। अब आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, लाप्लास ले लीजिए, राइट, हम जानते हैं सीधा सीधा फार्मूला इसका क्या होता है, एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो नाइन एल वाई, कॉस टू टी का लाप्लास कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। क्लियर, नाउ ये एल वाई एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस नाइन एल वाई माइनस वाई जीरो की वैल्यू यहाँ वन दे रखी तो वन हो जाएगा, और वाई डैश जीरो नहीं गिवन है तो इसको आप के रख दीजिए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, नाउ इन दोनों को उधर ले जाइए आप, सो एस स्क्वायर प्लस नाइन एल वाई इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, एस अप उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एस एन प्लस का के, देन इसको हम डिवाइड करेंगे, सो लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस के अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, राइट, अब लाप्लास इनवर्स लेंगे उधर ले जाके, सो वाई इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन एंड के लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। सो स्टूडेंट्स क्या आएगा इसके, देखो वैल्यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कॉस थ्री टी आती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है साइन थ्री टी अपॉन थ्री, बट इसका लाप्लास इनवर्स मुझे नहीं पता है, पर स्टूडेंट्स मैंने आपको जब वीडियो फर्स्ट लिया था इससे पहले वाला, उसमें मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में समझाया था, तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं फार्मूला क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, तो हमें कन्वोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। ये सीधी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू वो 3 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आएगा आपके पास कॉस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास कॉस 2t अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 9। सो ये वैल्यू है, बट ये हमारा आंसर आ गया है। बट इस आंसर के अंदर हमारे को क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, तो मैं इस फाइनल आंसर को एक बार वापस यहाँ लिख लेता हूँ। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास cos 3t माइनस cos 2t अपॉन माइनस का 5 प्लस cos 3t प्लस k बाई 3 साइन 3t, राइट। अब ये कंडीशन है जो हमने इस्तेमाल नहीं करी, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करेंगे तो y इज पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1 एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जहां पर भी y है वहां माइनस 1 रखेंगे, और जहां t है वहां क्या रखेंगे पाई बाई 2, तो ये आएगा cos 3 पाई बाई 2, और ये पाई रखेंगे तो ये आएगा cos पाई अपॉन माइनस 5 प्लस ये आएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस k बाई 3 साइन 3 पाई बाई 2, राइट। सो माइनस 1 हम जानते हैं ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, सो माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आएगी माइनस 1 बाई 5। साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है पाई बाई 2, टू पाई बाई माइनस 1 होता है, सो माइनस का k बाई 3, राइट। इस k बाई 3 को उधर ले आइए, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 1 बाई 5, सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 5 4, सो k इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 बाई 5 आएगी। ये 12 बाई 5 उठा के यहाँ रखिए तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू cos 3t माइनस cos 2t अपॉन माइनस 5 प्लस cos 3t, और 12 बाई 5 रखेंगे तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 4 बाई 5 साइन 3t। मैंने आपको बताया था अगर आपको आंसर चेक करना हो कि यार ये सही है या गलत है, तो आप इसके आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो एक कंडीशन अप्लाई कर, जैसे ये वाली कंडीशन है ना, ये अप्लाई करिए, ये अप्लाई करने पर क्या, जहां पर भी टी है वहां जीरो रखिए, वाई क्या आएगा 1 आना चाहिए, तो चेक कर लीजिए आप। तो मैं क्या करता हूं, जहां पर भी टी जीरो है, टी की जगह जीरो रखता हूं, तो कॉस जीरो कितना होता है 1 अपॉन माइनस 5, देन यहाँ कॉस जीरो तो 1 आएगा, और साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। वैसे एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में चेक करने की करना है, बट क्वेश्चन में इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है, वन आपको खाली वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको समझाया डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करते हैं, इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगला जो मेरा टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मेरी वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट्स जरूर करें क्योंकि कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।